तो अभी जीके के कंपटीशन में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण इलाकों पे हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है मार्गदर्शन के तहत, स्पॉन्सर्ड बाय रावत साइंस एकेडमी और हमारा SMED। तो आज हम हैं राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज GIC कंडारा में। तो देखते हैं यहाँ के बच्चों का जीके टेस्ट करते हैं, आइए। तो GIC कंडारा में देखते हैं आज बच्चों का जीके कितना अच्छा है। ठीक है, ये तो यहाँ तो खाली अभी तेल गरम हो रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे? पकौड़ी बन रही है। ये पकौड़ी बनाएगी, क्या नाम है आपका? संजना की रंजना। अब पकौड़ी है कहाँ, यहाँ तो अभी कुछ है ही नहीं, अभी तेल गरम हो रहा है ना अभी अंदर। अच्छा, तो अभी जो है तेल गरम हो रहा है और ये कंडारा के हम GIC इंटर कॉलेज में है और ये बच्चियाँ जो है यहाँ पकौड़े बना, पकौड़े किस खुशी में बना रहे हो, होम साइंस के उसमें? अरे क्या प्रैक्टिकल है इनका होम साइंस का। तो ये पकौड़े बनाएंगे और हम खाएंगे, तो लेट्स वेट फॉर द पकौड़ा। ओके भाई, बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे विद्यालय में आते रहते हैं और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये कॉम्पिटिशन है इसमें 9, 10, 11, 12 के बच्चे आएंगे। सर सुना है कि वो थोड़ा किसी ऑफिशियल वर्क से बाहर गए हैं और ऑफिशियल प्रिंसिपल सर हमारे मिस सर हैं यहाँ पर और तमाम स्टाफ के और भी हैं। सो सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा जो मुझे मौका दे रहे हैं। आपको मौका मिल रहा है ये नहीं, हमें मौका दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। पिछली बार मैं यहाँ 2017 में आया था, उस टाइम रावत सर यहाँ प्रिंसिपल थे और थोड़ा सा एक बुरी खबर भी सुनने को मिली है, अब वो नहीं रहे। तो ही वॉज अ ग्रेट मैन, ग्रेट, सभी प्रधानाचार्य सभी टीचर्स दे ऑल आर ग्रेट, बस आप किस तरह से उनको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ के बच्चे एक तो पब्लिक स्कूल ऊपर से इस तरह के प्रोग्राम होते रहते तो उनका काफ़ी अच्छा मार्केट में पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है। लेकिन मैं भी पहाड़ी हूँ, आपको जानते खुशी होगी मैं चमाली का हूँ नीचे, तो वहाँ से हम भी 3 क्लास तक सर मैं भी लंगासू के स्कूल में पढ़ा था। उस जमाने में वदेरे के किनारे पर स्कूल लगा करती थी हमारी और मुझे अभी भी याद है कि हमारी जो ड्रेस होती थी यहाँ तक कि निक्कर होती थी और कपड़ा कुर्ता निक्कर सिर्फ ऐसे ही था, बस खत्म बात है ना। सो वो भी याद है मुझे ज़माना। तो बस ये अच्छा हुआ कि प्लेन्स में चले गए, अच्छी तालीम हासिल हो गई, अच्छे कॉलेजों में पढ़ गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, अच्छे से। तो पता नहीं क्यों बार बार मन यहाँ पहाड़ों की तरफ ही करता है। तो दिल्ली से मैं देहरादून आ गया हूँ और अब देहरादून से इन पहाड़ों पर आ रहा हूँ। पलायन रोकने का सबसे सही यही तरीका होगा, बोलने का नहीं है करने का है। ठीक, तो इस दिशा में शुरुआत हमने कर दी है और आज का प्रोग्राम GK का है, जनरल नॉलेज का। सबसे पहले तो हर स्कूल से हम 2-2 बच्चों को लेंगे, लड़की या लड़का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे देश में जो है आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का भी बहुत बड़ा जोश चल रहा है, लड़कियां बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं। लेकिन लड़के नाराज ना हो, उनके चेहरे उतर गए हैं बेचारे पीछे, वो भी बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ज़्यादा रुझान पहाड़ों की तरफ का है। आपको टक्कर देनी है बड़े बड़े स्कूलों से, बड़े बड़े कॉलेजों से, और कोई कमी नहीं कि मैं भी जो है विद्यार्थी जो है गवर्नमेंट स्कूल का रह चुका हूँ। ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने नेशनल लेवल का क्विज कंपटीशन और डिबेट जीता था फर्स्ट नंबर का। तो जब वहाँ बताया गया कि सर आप अपने बारे में बताइए, 5,000 बच्चे थे सर, तो मैंने सबसे पहला प्रश्न किया कि मैंने जवाब दिया कि आई एम ए पहाड़ी, मैं पहाड़ का हूँ। तो बड़ी जोरदार तालियां बजी कि पहाड़, मैंने कहा गाँव का हूँ, मेरे दादाजी हल चलाया करते थे एंड आई एम प्राउड, मुझे बहुत फख्र है कि मैं पहाड़ का हूँ। तो बड़ा मजा आया उसमें, देसी तो हम हो ही नहीं सकते पर आजकल क्या हो रहा है कि हम देसी बनने जा रहे हैं। एक गाना भी था ना, मुझे पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो मैं हूँ देहरादून वाला। शुरुआत आपके स्कूल से, 17 में भी आपके स्कूल से शुरुआत हुई थी और जहाँ से शुरुआत होती वहाँ बड़ी अच्छी शुरुआत होती है, इसलिए अपने तालियों वाली जोरदार। बाकी जो जूनियर बच्चे बैठे हैं जवाब ये भी दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है सर जूनियर बच्चों की जीके बड़ी अच्छी होती है, सीनियर वाले थोड़ा बहुत जरा
प्रसन्न में रहते हैं थोड़ा, सभी यूं करके बालों को सलमान खान की स्टाइल में, है ना। लड़कियां भी अच्छी हैं, कटरीना कैफ बनने की कोशिश करती हैं, वो भी अच्छा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ कितनी अच्छी अच्छी है लड़कियां, देखो सर है, रानी लक्ष्मीबाई का प्रतीक नजर आ रहा है यहाँ, प्रतिबंब और चिन्ह। ठीक, तो तैयार है सभी जीके के लिए? तैयार है, हाथ खड़ा करिए, सब तैयार है? हाथ तो खड़े ही नहीं हो रहे किसी की। गुड, ये इनके क्यों नहीं हो रहे हाथ खड़ा? आपने क्या पाप कर रखा कुछ? हाथ खड़े होने चाहिए सर, बिल्कुल तैयार, हमेशा पॉजिटिव। हाँ हाँ हाँ, ना कहना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, गलत काम करने के लिए ना, सही काम करने के लिए। ठीक है, ये तो इतना लंबा हाथ खड़ा जितनी इसकी खुद की हाइट नहीं है, अच्छी बात है। गुड, तो पहला प्रश्न आज का जीआईसी कंडारा में, राष्ट्रपति कौन थे? इस लड़के ने हाथ खड़ा किया है। गुड, बेटा खड़े हो, एक मिनट एक मिनट। आपका शुभ नाम? अंशिका कठे। अंशिका कठेत ने हाथ खड़ा किया है, पहले प्रश्न के लिए प्रश्न था, भारत के पहले जो है राष्ट्रपति कौन थे, बता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीदेवी प्रतिभा पाटिल। महिला नहीं, बस पहले, बस पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिस कठेत के लिए जोरदार ताली। कौन कहता है कि टैलेंट पहाड़ों में नहीं मिलता है? कौन कहता है? देशों में एक गलत से लोगों ने फैला रखी कि पहाड़ी में कहते हैं, गढ़वाली में क्या चुआ, पहाड़ में कुछ नहीं चुआ। मकान उकान सब बांझे पड़े, खेत उत सब बांझे पड़े, कुछ बांझे नहीं पड़ रखे हैं। संविधान में प्रीएम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही हैं, सब कुछ करेंगे, बांझे भी हम ही डालेंगे, उपजाऊ भी हम ही बनाएंगे, नुकसान भी हम ही करेंगे, अच्छा काम भी हम ही करेंगे। वेरी गुड, बैठिए, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न, आप दूसरा प्रश्न आंसर भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th क्लास में। एक बार जोरदार ताली, आप ही के बीच में। देखो ये प्रोग्राम वैसा नहीं है जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, मेरे पास बिल्कुल करोड़ नहीं है। ठीक है, मैं गरीब हूँ और बहुत दिल का बहुत धनी हूँ और पहाड़ी हूँ। ठीक, एंड आई एम प्राउड टू बी पहाड़ी। दूसरे प्रश्न के लिए जवाब तैयार है? मतलब जवाब क्या, क्वेश्चन अभी पूछा नहीं, लेकिन तैयार है? बिल्कुल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्या बात है। चलिए जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन उनके बीच में एक और प्रधानमंत्री कार्यकालीन थे, उनका नाम क्या था, थोड़े समय के लिए जो आए थे? वेरी गुड, यस, यहां से हाथ खड़ा किया गया, बेटा खड़ा हो जा, थोड़ा किनारे पे आ जा, इधर आ जाओ थोड़ा। पहले आप अपना नाम बताइए। अंकित। अंकित पूरा नाम? अंकित नहीं, नेगी, नेगी रावत बिस्ट ढोंडियाल, बोलने में तकलीफ क्या, अंकित बोल रहा खाली, पूरा नाम बोल। अगर ये अंकित, अंकित नेगी को प्रश्न पूछा गया, मतलब इन्होंने हाथ खड़ा किया कि बीच में कार्यकालीन जो है प्रधानमंत्री कौन थे, कौन थे अंकित? मोरारजी देसाई। अंकित आपने बहुत अच्छी कोशिश करी, लेकिन प्रश्न गलत है, कोई बात नहीं, जोरदार ताली मारिए, कोशिश गलत हो क्या हुआ, बड़े बड़े लोग पहले जो है नाकामयाब हुए हैं और उसके बाद कामयाबी उनको वहां के शिखर पर पहुंचे। वेरी गुड, अभी भी किसी के पास कोई जवाब? तीसरा प्रश्न, आंसर है इसका गुलजारी लाल नंदा। और लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत के बाद भी जब इंदिरा गांधी को बनाया गया, उसके बीच भी कुछ समय के लिए फिर गुलजारी लाल नंदा को भारत का कार्यकालीन प्रधानमंत्री बनाया गया, वो फुल टेन्योर नहीं रह पाए। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र से, ये तो था इतिहास और पॉलिटिक्स से। इकोनॉमिक्स में किसी को रुचि है? कॉमर्स के कोई बच्चे हैं, आर्ट्स के कोई बच्चे हैं, इकोनॉमिक्स वाले नहीं है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, प्रश्न बहुत साधारण सा है। चलिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता किसको कहते हैं? बेटा खाली हाथ खड़ा करना है, पहले हाथ खड़ा किसने किया सर? इसने,
ये भी यूं यूं कर रहे थे हाथ को, बेटा हाथ पूरा खड़ा करा कर, आंखें दोनों खुली रखा कर, नाक के दोनों नकोड़े खोल कर रखा करो, मुंह बंद रहना चाहिए। किसने किया? बैठो उठो, एक मिनट बैठो साथ। आपका शुभ नाम? मोनिका रावत। तो मोनिका रावत को प्रश्न पूछा गया था या इन्होंने हाथ खड़ा किया था कि अर्थशास्त्र के पिता किसको कहते हैं? Who is known as the father of economics? बताएंगे आप? एडम स्मिथ। क्या लगता है आपको, सही है जवाब? कई बच्चे कह रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता हम कहां से मुंडी हिल लाएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। मोनिका रावत जो है, क्या बात है। आप मोनिका रावत कौन सी क्लास में? 11वीं कक्षा में। आप इकोनॉमिक्स आपकी, वेरी गुड, सब्जेक्ट भी है और जीके भी अच्छी है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी। तो मोनिका रावत प्लीज सिट डाउन, बहुत अच्छी बात। तो ये दो लड़कियों ने, देखो भाई लड़के लोग, अभी तक दो लड़कियों ने सही जवाब दिया है, मैं बार बार आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, बहुत सारे हाथ खड़े हो जाने चाहिए, लेकिन जिसका सबसे पहले हाथ खड़ा होगा उसको प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री आपके कोई रिश्ते में तो नहीं थे? आपका शुभ नाम? अभय राव। बेटा कौन सी क्लास में हो? 12th में। आर्ट्स कॉमर्स साइंस? आर्ट रखी है, आर्ट नहीं आर्ट। और ये फौजी जैकेट पहन रखी है आपने? पिताजी आपके फौज में? वेरी गुड वेरी गुड, ग्रैंड फादर थे, वेरी नाइस, फिर भी बहुत अच्छी बात है। हम सलाम करते हैं फौजियों को और देश की रक्षा तो उन्हीं के हाथों में, हम लोग तो बैठ के आराम से धूप सेकते हैं, ठीक। तो अभय रावत को जो प्रश्न है ये पूछा गया था कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री नित्यानंद स्वामी। उधर देख के बताइए, श्री नित्यानंद स्वामी। सही है क्या? पक्का? भुवन चंद खंडूरी तो नहीं थे? नरेंद्र तिवारी जी तो नहीं थे? निशन साहब तो नहीं थे? त्रिवेदी सिंह रावत जी तो नहीं है? देख लो, हरीश रावत जी तो नहीं है? बिल्कुल सही जवाब अभय राव। तो लड़कों ने भी अपना खाता खोल लिया थे ना, वेरी नाइस, मुकाबला बहुत। मैंने कहा कि मैडम वहां से आंसर आ रहा है, ठीक है, मैडम भी आपको प्रोत्साहित दे रही है, बोलो बिल्कुल बिल्कुल हमेशा। हाँ, बस खत्म। मैंने कहा हीरोइन बनेगी, विज्ञान के क्षेत्र से प्रश्न है, बायोलॉजी से, मेडिकल साइंस से, जैव विज्ञान से। 9-10 के बच्चों का भी कोर्स है, वो 11-12 बायोलॉजी वालों का भी कोर्स है, कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9-10 में उन्होंने भी वो चीजें पढ़ी हुई है, ठीक। स्कर्वी एक रोग होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? क्या बात है, बहुतों ने किया लेकिन सबसे पहले इसने किया, विटामिन सी। क्या बात है, विटामिन सी। नाम दोबारा बताएंगे? अंशिका कठैत का चयन हो चुका है, शी हैज बीन सेलेक्टेड। बेटा इधर आ जाओ, जोरदार ताली। बस मुझे एक और स्टूडेंट चाहिए, वेदर गर्ल और ए बॉय, ठीक है, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कड़ा मुकाबला है, ठीक है जी, दोनों राउंड। नहीं कोई और भी, प्लीज कोई भी आप बच्चा बोल सकता है। तो इस बच्ची का जो है चयन तो हो गया, इनका तो फाइनली शी हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम योर स्कूल। मुझे एक और कैंडिडेट चाहिए, आई वांट वन मोर, ठीक। चलो, बहुत मिलता जुलता प्रश्न है, इसी से ही एक रोग होता है, रोग क्या है कि डिसऑर्डर है, बहुत उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन कोल्ड, हिंदी में जुखाम, नाक बंद, सिंगाड़ा, गले में खोकारा वगैरह वगैरह, ठीक है, और बड़ा छींक टाइप वगैरह वगैरह, बड़े सारे सिम्टम्स हैं उसके। ये जो है, मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ, किसकी वजह से होता है, जीवाणु या विषाणु? इन बच्चे का सबसे पहला आंसर होगा, मेरा आपका नाम? आशीष नेगी। कौन सी कक्षा में? 10th में है। आशीष नेगी बताएंगे क्या है ये? विषाणु। विषाणु, बिल्कुल सही जवाब, वायरस।
जीवाणु होता है बैक्टीरिया, विषाणु होता है वायरस, सिंपल सा है। बड़ी उसकी स्पीसीज होती हैं, 72 स्पीसीज हैं उसके बेसिकली, जिसमें से सबसे कॉमन है राइनो वायरस, जो खासकर आपके नाक के अंदर ही रहता है और वहीं तंग करता रहता है। अंतरिक्ष में पहला मनुष्य का नाम, फर्स्ट कॉस्मोनॉट, यस, पीछे नेगी जी, आपने लेट कर दिया जनाब, आप बहुत बहुत रिस्पॉन्स है इसका। हाँ जी, आपका नाम बोलने में क्या, अमित आशीष नेगी, इनसे पूछा गया सबसे पहला कौन व्यक्ति गया पृथ्वी से, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग बेटा वो तो मून पे गए थे, बट इन्होंने काफी कोशिश करी है, इन पर इनके भी ताली बजाएंगे। नील आर्मस्ट्रांग इज गॉन, इन्होंने भी हाथ खड़ा किया था, अगर इनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो है इनके पास, उनका गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बड़ा खड़ा हो गया। कौन गए थे, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा हिंदुस्तान से गए थे, विश्व का सबसे पहला मनुष्य। तो कोशिश करिए, ताली मारिए, बैठिए, ये लड़की का हाथ खड़ा हुआ भाई आगे से, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा नाम क्या आपका, दीपिका बिष्ट। दीपिका बिष्ट, क्या आप देखो छोटी है लेकिन आवाज कितनी जबरदस्त है इसकी, क्या बात है, कौन से क्वेश्चन है, ये बच्ची सिक्स क्लास में है, अभी इनका चयन नहीं होगा, लेकिन इनसे बिल्कुल इनको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा और इंस्पिरेशनल है, सबसे छोटी है के सब, सिक्स क्लास सबसे पहले लेवल पर है यहाँ जूनियर, वेरी गुड। तो मिस बिस्ट जो है बताएंगे कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गए, बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल तो हमारे प्रदेश की लड़की है, वो सबसे पहले एवरेस्ट पे गई, पहली फर्स्ट भारतीय महिला, विश्व की पहली महिला थी जिनको तबाही जो जापान की थी, लेकिन ये हिंदुस्तान की पहली महिला, बट वेरी गुड, उसने बहुत कोशिश करी, ताली बजाइए इस बच्चे के लिए, शी हैज मार्क्स, उसको पता तो है कि बचेंद्री पाल कौन है। आप खड़े होइए, आप खड़े होइए, नेगी जी आप भी खड़े होइए, और किस किस ने जवाब दिया था। अब आप ये प्रश्न आप तीनों में से एक के लिए, क्योंकि एक और जवाब देने से फिर आपका सिलेक्शन होगा फाइनल, ठीक, तैयार है, पक्का। जिसका हाथ खड़ा होगा प्लीज प्लीज आप सब देखेंगे, जो सबसे पहले बोलेगा नहीं हाथ खड़ा करेगा। उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट है, किसने किया हाथ खड़ा, आशीष ने, आशीष आप हैं, तेरे को अपने को शक हो रहा है। उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। आगे कुछ लिखा तो नहीं है, ये लिखा देखो आगे देख सकते थे, फटाफट लिखा हुआ कवरिंग ऑफ द 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है जी। आशीष आप आगे हैं, बेटा आप लोग बैठो, आशीष नेगी, तो आशीष नेगी के लिए जोरदार ताली। आपके स्कूल से ये दो स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं, दो दो के जवाब दिए हैं, कईयों ने एक एक के दिए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये दो फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, और मैं इसका श्रेय बच्चों के साथ साथ गुरुजनों को, अध्यापक जनों को भी दूंगा, जिन्होंने इनको इतने अच्छी तरह से इनको तालीम दी है, इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि ये पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में भी रुचि रखें। और जाहिर है कि भंडारी सर का जो अभी यहाँ पर है, और जाहिर है कि बिस्ट सर का, और तमाम जितने भी और बैठे हैं, सॉरी सर मैं नाम सबका नहीं जानता हूँ, तो बिस्ट सर आपके लिए, आप सर यहाँ आइए, अभी एट प्रेजेंट परिसर में आपके बिस्ट सर है, तो बिस्ट सर के लिए जोरदार ताली मारिए। सर क्या बात है, और सुबह सुबह एकदम से मुझे चाय भी पिला दी बालिकाओं ने, सर ने कहा कि ये आज इनका होम साइंस है, मैं देख रहा हूँ पकौड़े बनने वाले, और पकौड़े खा के जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है ना, चाहे आप मुझे भूखा बोलो चाहे कुछ भी बोलो, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, ठीक है ना, एक डायलॉग नहीं, ये दिल मांगे मोर एंड आई एम लविंग इट, तो मैं जरूर लूंगा उसको, पकौड़े वकौड़े खाऊंगा, खासकर बच्चों ने बनाया हुआ सर, तो आप सब इन दोनों के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। अरे उसमें वो मजा नहीं आता है, फिल्म की स्टोरी सुनेंगे वो मजा नहीं, फिल्म देखने में मजा आया, तो मार्केट में तो कही है दिस इज लाइव, ठीक है, एक बार और जोर से इनके ताली, ये कंजूसी कर रहा ताली मार देना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। मैगजीन वगैरह पढ़ते हो आप लोग यहाँ लाइब्रेरी में, कुछ मैगजीन्स वगैरह आते हैं जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया या कुछ ऐसा हो गया, उनको पढ़ना मत, क्योंकि करंट अफेयर उसमें से होंगे। आगे के लिए मैं बता रहा हूँ, अगली बारी से आपका कंपटीशन होगा और स्कूलों से, मतलब आपका स्कूल का कंपटीशन होगा सिलिंगी से, मैखुरा, ये क्या है कनकुल, इनके लंगा, ऐसे चार पाँच आपके साथ,
उसमें से खड़ा मुकाबला देना है। आप स्टैंड बाई हैं, आप सेलेक्टेड। स्टैंड बाई मतलब क्रिकेट में कितनी टीम होती है, कितने होते हैं? खेलते कितने एट ए टाइम? स्टैंड बाई होते हैं कुछ उसमें? आप तैयार हैं, मतलब कहीं कुछ बीमार हो गया, नहीं आ पाया, तैयारी नहीं हो पाई आपकी, ठीक है? चलो फिर ऑल द बेस्ट है। लास्ट